और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आपने जो इस प्लेटफॉर्म से सबको बताने का जो अपना इनिशिएट लिया है कि हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिस इज़ समथिंग जो हमने स्कूल में नहीं सीखा समथिंग जो हमने कॉलेज में नहीं सीखा हमने प्रोफेशनल ट्रेडिंग्स में भी नहीं सीखा एंड इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी हमें कोई नहीं सिखाता है ना और हमें सिखाता कौन है कहाँ से सीखते हैं हम कहीं से तो सीखते हैं एक ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट माइंड में हमारे उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते uh -huh. तो वो सारी जो हैवी एक्सपेक्टेशंस होती है बॉलीवुड मूवीज से सीखी है हमने या सास बहू वाले सीरियल्स से देख के हमने सीखी है वो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में उसको सबको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं

उसके जो कुछ डार्क साइड्स ग्रे साइड्स हर किसी की होती हैं उनको भी देखते हो उनको भी समझते हो उनकी वीकनेस देखते हो उनको भी एक्सेप्ट करते हो तब एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट होती है तब एक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो सबसे पहली चीज़ तो यही ज़रूरी है कि आप जब रिलेशनशिप में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको प्रिटेंड नहीं करना होता आप जो हो वो एक्चुअली हो है ना ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बहुत सीरियस पर्सनालिटी है बहुत आपको लगता है देखने से कि थोड़ा सीरियस सीरियस मेच्योर है लेकिन आपका है कि आपको मतलब आ, ऐसे ही लगता है कि हंसी मजाक करो तो आप वैसे ही रहो अगर आप चुप चुप रहोगे उसके सामने प्रिटेंट करोगे कि मैं भी बहुत सीरियस और मैच्योर रहने वाला हूँ तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनर सोल है ना वो हर्ट फील करती है कि आप हो कुछ और आप बन को छोड़ रहे हो और वो ज्यादा लंबा नहीं जाता फिर आई थिंक ये पहली हैबिट हो गई ये कि डोंट प्रीटेंड टू बी समवन एल्स एग्जैक्टली कि जो आप हो वैसे ही बन करके कर रहो बी ऑथेंटिक कि अगर फिर भी सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है या वो एप्रिशिएट कर रहा है आपके उस डिफरेंस को तो ठीक है उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो क्योंकि अगर वो वो आपने कोशिश करी तो ज़्यादा टाइम तक आप नहीं कर पाओगे एक पाओ तरह की एक्टिंग हो गई जो स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए तो कोई कर सकता है बट 24 घंटे नहीं कर सकता नहीं कर सकते और, और अगर कोई करेगा तो अननेसेसरी अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करना बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही रहो शुड कॉम्प्लीमेंट अदर तो जो ये कहते हैं वो सही वर्ड है हमें कंप्लीट नहीं करना है दूसरे को ऐसा नहीं है कि उनको कुछ उनकी लाइफ में कमी है या उनकी पर्सनालिटी में कोई कमी है तो वो चीज मैं फिल कर दूंगी जाकर वो पॉसिबल नहीं है वो अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा मतलब right. आपकी फिर पर्सनल hmm. ग्रोथ वही रुक गई right. आपने कोई ऐसी पर्सनालिटी ढूंढी ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढा जिसके अंदर जो आपकी कमियां थी वो सारी उसकी स्ट्रेंथ थी hmm. और आपने उसको ढूंढा और आपने सोचा अब लाइफ सेट है hmm. बट लाइफ कैसे सेट होगी क्योंकि आपकी तो ग्रोथ नहीं हो रही

वो कितनी अलग है मेरे से हाँ, तो अगर हम इस तरीके से उसको देखते हैं तो आई थिंक वहां से स्टार्टिंग हो जाती है Yeah, exactly. और एक दूसरे को सपोर्ट करने की शुरुआत से होगी, जब हम सामने वाला जो हाँ. पर्सन मतलब तो हो <laughs> हो होता है ना फिर ये ईगो होती है ना वो बहुत जल्दी जाग जाती है आपने जैसे ही किसी को बोला की मेरी ये चीज बेटर है वही जैसे हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए ना अपने आपसे कंपेयर करना चाहिए ना अपने फैमिली मेंबर्स से ना ही किसी और फ्रेंड से ना अगर एक एक आप मेल हो तो ना अपनी मदर से एक्जेक्टली बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया और बीइंग अ फीमेल आपको अपने फादर से नहीं कंपेयर हाँ, करना exactly. को, तो हाँ, से नहीं करना अपने फादर से नहीं करना की मेरे पापा तो मेरे लिए ऐसे करते थे मेरे बर्थडे पर तुमने तो ये कर दिया है ना और ऐसे ही Husband को नहीं करना कि मेरी मम्मी तो खाना ज्यादा अच्छा बनाती है तुझे तो कुछ नहीं बनाना आता <laughs> तो उसमें क्या तो आपकी जो वर्क लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी आपका घर आने का मन करता है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो. Now, yeah, exactly. बहुत सारी ऐसी है जहां पर ये निकल करके आया है कि जो है हाँ। उसका डायरेक्ट रिलेशन तो से, से है से ना फेम से है ना पैसे से है, हाँ। उसका रेलेशन से, रेलेशन से, रेलेशन से, से है उसका से है। एक हाँ। बहुत बड़ी study हुई थी साठ साल तक उसमें ये निकल करके आया, 50 -60 साल तक उसमें निकल आया साल उन्होंने लोगों को मॉनिटर किया ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बस सिंपल सी एक कंक्लूजन निकला कि जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी उसकी लाइफ अच्छी थी अच्छी थी जिसकी बुरी थी उसकी लाइफ बुरी थी तो या यू वे कह रहे थे नहीं नहीं करना। Compare नहीं करना है अपने आप से भी या किसी और से भी? किसी और और से से भी। भी। उनको fully accept करो। right. fully accept करो। उनके अंदर जो आपको अच्छाइयाँ लग रही है उनको भी जो आपको जैसे आपने I think, एक वीडियो में बोला था कि प्रायोरिटीज डिफाइन करो ना कि आपको लाइफ right. में अपने लाइफ पार्टनर में exactly चाहिए क्या वो सारी चीजें हैं ना hmm. कि आपको ये चाहिए था हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमको अपनी लाइफ में जो मतलब लाइफ पार्टनर चाहिए जो रिलेशनशिप चाहिए फॉर के लिए तो उसमें हमें एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या सामने वाला लॉयल होना चाहिए उसका नेचर आपके साथ मैच करना चाहिए आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो उसके साथ तो कुछ एक लिस्ट जो है ना वो हमें जरूर बनाना रिस्पेक्ट चाहिए। करना चाहिए रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हमारी करे अब जो चीजें थी उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है जो हमें मेन चाहिए थी जो हमारी प्रायोरिटीज थी में, hmm. कि ऐसा हमारा पार्टनर होना चाहिए उसको हम कर देते हैं है, है, सब कुछ करता है छोटी हो को तो चीज़, बहुत चीज़ है. है। चीज होती है इन छोटी एक्चुअल में छोटी छोटी चीजें ही होती है जिसपे कपल्स मोस्टली उनके रिलेशनशिप जो होते हैं खराब हो रहे होते हैं तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है अपने माइंड में कि जब वो सारी चीजें उसमें हैं बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए अपने माइंड में कि आपको अपनी समझ को भी उसमें डेवलप करना है कि ये कौन सी चीज़ें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे जो हम अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं hmm. मैंने बहुत सी ऐसी क्योंकि अ फीमेल मैंने बहुत सी ऐसी फीमेल्स देखी हैं वाइफ देखी हैं जो इसी बात पर बहुत लंबा उनका झगड़ा चल जाता है कि मुझे बढ़िया गिफ्ट नहीं मिलते hmm. मुझे सरप्राइज नहीं मिलते अब किसी का नेचर है किसी के हस्बैंड ने बहुत बेगवाला सरप्राइज दे दिया हाँ। अब जो बाकी उसकी टेन फ्रेंड्स हैं वो सब उसी बात पे लड़ रही हैं अब आगे पीछे हो सकता है उसका हसबेंड उसको पूछता भी ना हो लेकिन वो सरप्राइज हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए दिखाने हो सोशल मीडिया पर हो बिल्कुल हाँ। पीछे से कहानी हो सकता है कुछ और हो हो सकता है वो आपसे बात ही ना करते और वहीं आपका हस्बैंड है वो आपको डेली टाइम देता है है और आपकी केयर करता, करता लेकिन है। आप उससे लड़ रहे हो किसी नकली इंसान की वजह से हाँ जो आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो ये वही हो गया कि हमें किसी और को कम्पेरिजन अगर हम लेकर आ जाते हैं और बेसिकली स्पेशली जो सोशल मीडिया से कंपेयर हम करते हैं तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि मेरी ही खुद की एक फ्रेंड थी आपने वीडियो बनाया था sense, आपका भी अपना कोई हाँ, है? जी मेरा चैनल है, अच्छा, है आपका जो पर्सनल मैरिज मतलब से रिलेटेड आपकी शादी को 11 साल हो गए हाँ एक साल का मतलब 12 साल का अच्छा 12 साल का रिलेशनशिप है तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि

तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा हाउ टू बी रियलिस्टिक यानी उस रियल रियल लाइफ लाइफ से real life में आप उसको कैसे लेकर के आएंगे आपने अच्छा मतलब क्वेश्चन मुझसे पूछा है और एग्जैक्टली uh, exactly बहुत से चैलेंजेस होते हैं आपको आपको जब दिखता भी है सामने कि कोई बहुत हैप्पीली मैरिड है और इतने टाइम से रिलेशनशिप में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ जी हांजी जी करके उन्होंने ग्यारह बारह साल निकाल लिया और खुशी हैं रोज नाच रहे हैं गा रहे हैं नहीं

लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए important. होता है लाइफ में वो तीनों इसके अंदर है वो है जी हुँ, तो और कोई भी बात आ जाए मतलब नो मैटर वॉट आप किसी के भी किसी की बात में आके या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से किसी भी चैलेंज की वजह से आपको ये पता है कि कितना बड़ा क्लैश हो जाए लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ना क्योंकि क्या होता है कि दो जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में अगर कोई क्लैश होता है ना तो ये मतलब काफी बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी कि ये एक मंत्रा समझ लो कि अगर आपके बीच में क्लैश है सबसे पहली बात है कि आपके रूम के अंदर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए बिल्कुल ठीक बात आप है। लड़की अपनी फैमिली में जाके बताएगी और लड़का अपनी फैमिली में जाके बताएगा तो आप तो उनके राजे बेटे हो ना वो वो उसको करेंगे, वो उसको सपोर्ट सपोर्ट करेंगे करेंगे हाँ। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता मेरी बेटियां अगर वो मुझे आकर हाँ तो मैं भी नहीं चाहती ना कि मेरी बेटी किसी बात को लेके दुखी हो वो अपनी जगह पे सही है सो व्हाट यू सेइंग इज जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो खुद अपने खुद बीच में ही रखो खुद सॉल्व करो बजाय बीच में किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के बिल्कुल क्योंकि उसमें गड़बड़ी होगी और इनफैक्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया है

अगर तो आपके पास या मेरे पास हमारे पास कोई भी आए इस हाँ। तरीके से कि हमारी सॉल्व करो तो हमको दूर से उसको नमस्ते करना है और बोलना है कि पहले आप खुद कर लो खुद कर लो बिल्कुल अगर नहीं हो तो कोर्ट नाम की चीज है वहां पर जाओ हाँ, और अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो हाँ। वो, वो भी मतलब अगर ऐसा है ना कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है रही। कि लेनी होती है लेकिन ये जो नॉर्मल डेली रूटीन के थोड़े बहुत छोटे मोटे क्लासेज होते हैं और जो छोटी मोटी बातें होती है उनको भी जितना हो सके ना भी आप रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट कर लो आई थिंक वेरी गुड पॉइंट अभी अपने कुछ रूल्स बना लो रूल्स इनफैक्ट ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा भी यही रूल है हाँ। कि कुछ भी लड़ाई हो कितनी भी बड़ी लड़ाई हो उसको सॉर्ट उसको उसी कर दिन खत्म करना है और फिर जाना है सोने के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई लड़ करके नहीं सोना कर है नहीं तो वो रात को

एंड आई एम श्योर ये बातें हम कर तो रहे हैं बेस्ड अपॉन आर एक्सपीरियंस जो भी आपका मैरिज से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या जो भी आपका बैकग्राउंड है हुँ. जो आपने साइकोलॉजी में जो भी कुछ अपने पढ़ाई करी है हुँ. उसके बेस पे प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप बातें तो कर रहे हैं हुँ. मैं भी बातें तो कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बट आई एम श्योर हमने भी ये गलतियाँ करी हैं अपनी अपनी रिलेशनशिप में तो अभी तक हमने दो हैबिट्स कवर कर ली है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की एंड दिस इज नॉट जस्ट थियोरोटिकल बट प्रैक्टिकल बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस राइट right. हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बीस इक्कीस साल के हैं और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कैसे सुन करके या पढ़ करके हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट आई एम इयर्स ओल्ड व्हाट अबाउट यू लाइक हाउ दिस जुलाई

थ्रू ऑल ऑफ दोन एक्चुअल लाइफ क्या mm -hmm. है और

जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उसके बाद तो लाइफ खत्म हो जाती है ऐसा कुछ नहीं, नहीं है ऐसा तो कुछ, कुछ नहीं है लाइफ बेटर होती है बच्चों को डराते हैं बस कि बेटा यही जिंदगी है झीलो उसके हाँ। बाद तो ऐसा ही है वो उनके लिए तो जो ग्रो नहीं कर रहे हैं या वो मतलब दूसरों को बदल रहे हैं बस हाँ। या फिर कहीं पे अटके हुए अटके हुए बेसिकली स्टेगनेंट है अपनी थिंकिंग के लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे या रिजिड है बहुत ज्यादा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के बैठे हुए हैं या बहुत ज्यादा इगोस्टिक है उन लोगों के लिए लाइफ एक्चुअल में बुरी होती है क्योंकि बचपन में बाई डिफॉल्ट बच्चों के अंदर ईगो नहीं होती है बट अगर कोई मेच्योरिटी से अपनी ईगो को डिजोल्व करता चला जा रहा है बिल्कुल तो आई होप की उसकी लाइफ बेटर होती बेटर होती है। चली है एंड इसी के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है फिर उसके बाद हम तीसरी हैबिट पर आते हैं कि क्या सपोर्ट की जगह या एक्सेप्ट करने की जगह हम एक और बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं टू बी क्यूरियस इन द सेंस

जेनुइन एक मेरे दिल से उसके लिए एक एप्रिसिएशन निकल रहा होता है बहुत अच्छी बात है दिस इज माय टेक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मतलब डिग्री yeah, दिस बिल्कुल बिल्कुल जैसे सामने वाले को बजाय एक्सेप्ट करने के या उसको क्रिटिसाइज करने के या क्रिटिकली उसको देखने के या क्रिटिकली उसको बोलने के <laughs> उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो पूरे करो, दिल से उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करो अप्रिशिएट करो क्योंकि वो ही लाइफ हाँ, को अच्छा बना रहा है हां इससे लाइफ में एक हैप्पीनेस कोफिशिएंट इंक्रीज रहता है ना आपने बोला कि मैं खुश होता हूं देखकर ना कि हाँ, कैसे कर रही है और फिर वो भी हंसती है आगे से ना ऐसे हस्बैंड मेरे जैसे कई बार मैं कॉन्टीन्यूसली बोलती चली जाती हूँ तो फिर कई बार मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं आगे से हाँ। कि तूने ना कोई कॉमा भी नहीं लगाया कोई फुल स्टॉप भी नहीं लगाया और तू तो कहाँ से कहाँ कौन सी बात इधर कोई बात इधर की थी कोई इधर की शुरू हो गई तो हाँ। वो हंसते हैं हाँ। तो मुझे भी मतलब ये फील नहीं होता कि हाँ मेरा मजाक उड़ा दिया तो मतलब मुझे ये लगा कि उनको उनका डिफरेंट है अगर इस चीज़ के लिए कि परस्पेक्टिव कि कम बोलना चाहिए तो इस चीज़ को लेके वो मुझे नहीं टोक रहे हैं कि तू कम बोल कि वो, खुश हो रहे हैं करने की कोशिश नहीं हाँ, कर रहे हैं वो खुश हो रहे हैं बल्कि उसको लेकर वो खुश, हो रहे, खुश हो, हो रहे हैं कि मेरे से अलग है हाँ। तो लड़ाई में भी हंसी आ रही होती है तो क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों पे लड़ने की क्या जरूरत है हाँ। और अगर कभी लड़ाई होती है या कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है किसी एक को दोनों में से तो दूसरे को हंसी आ जाती है दूसरे को हंसी आ जाती है और अगर वो क्रिटिकल हो एक दूसरे को लेकर के और उस वक्त कोई सामने वाला थोड़ा सा भी कुछ ऊंची आवाज में बोल जाए या थोड़ा गुस्से में बोल जाए तो सामने वाला हंसने की बजाय उससे तो लग जाता है लग और लग वो है। भी उसी स्टेट में चला जाता Same, है इनफैक्ट हाँ। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था कहीं पर दी हॉलमार्क ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज वेन ओनली वन पर्सन गेट्स क्रेजी एट अ टाइम एग्जैक्टली थोड़ा अपना उसका दिमाग खराब हो जाए तो दूसरे का ना हो ये ना हो कि दोनों का हो जाए क्योंकि फिर दोनों क्यों का हो गया तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ेगा अगर किसी रिलेशनशिप को अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप को भी खराब करना हो तो वो गुस्सा है तो उसका अगर एक वर्ड हम चूज करें तो दैट इज एंगर एंग गुस्से में क्या हो जाता है किसी को पता ही नहीं लगता है बिल्कुल नहीं एक से दूसरा दूसरे से फिर वो कहीं का बोल रहा है उसको क्या बोल दे क्या क्या कर दे कुछ नहीं पता लगता है क्योंकि एक ही चीज होती है ना माइंड में जब गुस्सा आ जाता है की किसी भी तरीके से सामने वाले से जीतना है छोटी छोटी चीजों को लेकर भी हो जाते हैं कि आप कह रहे हो कि कहीं जाना है आप कह रहे हो उधर पार्टी करनी है हमने बर्थडे के आप कह रहे हो वहां नहीं जाना या घूमने का प्रोग्राम बनाना एक कह रहा कि माउंटेन्स में जाएंगे बीच एरिया में जाएंगे तो उसको एक हेल्दी डिस्कशन की तरह कर लो डिस्कशन so exactly. होना चाहिए दोनों की पर्सनालिटीज अलग अलग हैं दोनों की प्रेफरेंसेस अलग अलग है डिफरेंसेस होते भी हैं तो उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करो हुँ. या बीच का कोई रास्ता निकालो रादर देन आर्ग्यू करने के क्योंकि जहां आपने आर्ग्यूमेंट शुरू किया वो कब एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगर कब लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा ये सब इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं लगता है और हम ये भी कर सकते हैं आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ कि अगर कभी लड़ाई हो क्योंकि लड़ाई तो होनी ही है होनी एक रिलेशनशिप में बिल्कुल तो लड़ाई हो तो जिस वक्त गुस्सा आ रहा है आपको उस वक्त वहां से हट जाओ वो जो बोलते नहीं है कि गुस्सा हाँ। आ रहा है तो पानी पी लो पानी पी लो आई थिंक दैट इज राइट क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आएगा, आएगा। वो डाउन आएगा पल्स रेट नीचे आएगा इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई है हाँ। कि जैसे, जैसे पल्स रेट बढ़ता है ना मान लो हंड्रेड के ऊपर जाता है जब हमको गुस्सा आ रहा होता है तो उस वक्त इंसान का जो दिमाग है वो काम करना या जो उसकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है लॉजिकल थिंकिंग है वो काम करना बंद कर देती है और उसकी ब्रेन का एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जहां पर उसको सिर्फ अटैक मोड में चला जाता है mm -hmm. मतलब दैट्स मोड लाइक अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स

एक तो हमें अपनी वॉइस रेज नहीं करनी सामने वाले से बात करते हुए दूसरा कि अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और लग रहा है कि कुछ और ही बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए हट जाओ पानी वानी पी के वापस आ जाओ उस वक्त क्या करना है कि वहां से चले जाओ चले जाओ वहां पर हाँ थोड़ी देर के लिए फिर थोड़ी देर बाद जाकर अपनी वाइफ को आजकल तो इतनी इमोजीज़ हैं बिल्कुल इतना कुछ है कुछ भेज दो वो भेज दो बस सामने से भी कुछ आ जाएगा अगर आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो कई बार जैसे मेरी कई बार हो जाती है इगो। मुझे लगता है कि नहीं बोलूंगी सबकी होती है हाँ रही। नहीं बोलूंगी तो फिर जब मुझे थोड़ी देर हो जाती है फिर मुझे लगता है की मनाने भी नहीं आ रहे नहीं मनाया तो ज्यादा लंबी तो नहीं तो, तो।, <laughs> तो सॉर्ट तो 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 आउट हो जाती है अगले दिन पूरा दिन दर्द होता है रोने की वजह से तो रोना भी वो गिव अप कर दो और उसके बाद यही है कि अगर ईगो इतनी ज्यादा है कि आपसे बोला नहीं जा रहा सामने जाके फेस नहीं किया जा रहा तो आपके पास फोन है व्हाट्सअप करो Emojis भेजो, GIF है वो भेजो कोड्स निकाल कर भेजो हाँ। गुस्सा आ रहा है तो बात करने की बजाय हाँ हा। उस वक्त अपने नहीं दिखेंगे और उसकी आवाज नहीं सुननी पड़ेगी उससे सामने वाला इरिटेट नहीं होगा दूर दूर चले जाओ और लिख करके अपनी लड़ाई को सॉल्व करो जो भी करना है जो भी मन की बात है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और सामने वाले को भी लिखने दो वो भी हाँ। कुछ ना कुछ लिखेगा लिखेगी इसमें एक चीज और है कि जैसे विन एंड लूज वाली होती है हमें लगता है कि अगर हम जीत जाते हैं यानी कि सामने वाले को हमने गलत प्रूव करना है तो अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ना तो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट में हार गए हो ना आप वो हो जिसने कि एंड करा है आर्ग्यूमेंट को तो आप जीते हो जैसे बोलते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं एक्चुअली इन रिलेशनशिप जो पहले गिव अप कर देगा वो जीता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं कि अपनी मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है hmm, जब okay. आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफर कर रही है आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो बेटर है कि आप उसको सॉर्ट आउट कर दो बिल्कुल ठीक बात है, है ना? कि सामने वाले के फायदे के लिए ना सही <laughs> अपने अपने जो के लिए। के लिए। हाँ। झूठ है जो झूठ कर... हाँ। है ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है अब अगर इमेजिन करो जिसको भी आप कह रहे हो कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ जो भी आपकी प्यार की डेफिनेशन है की डेफिनेशन ही बहुत सारे लोगों की हिली हुई है तो अगर वो सामने वाला पर्सन

अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप सेल्फिश हो बेसिकली खुद ही खुश नहीं हो अपनी हाँ। लाइफ को लेकर के अपने आप से हाँ। तो आप किसी और को कैसे खुश कैसे खुश रहतेम्पॉसिबल बिल्कुल ऐसा है जो खुद गरीब है वो किसी को क्या देगा क्या देगा बिल्कुल मतलब बींग अगर मेरे पास डॉटर्स हैं मुझे फैमिली मेरे मदर इन लॉ है हस्बैंड है सबको देखना है लेकिन फिर भी अगर मेरे को पता है कि मुझे अपने लिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है मुझे मॉर्निंग में वन आवर लगाना ही है

जनरेट होता है एंगर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है एक रिलेशनशिप में आई थिंक डिस्कशन को भी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए mm -hmm. तो डिस्कशन इस तरीके से करना है, जहां पे हमको करने है ना कि नेगेटिव वर्ड्स के वर्ड्स mm -hmm. को यूज करने का मतलब हो गया इतना uh, परेशान हूं तो तुम्हें समझ नहीं आता है क्या देट कुल ऑफ सेफ इन वे और एक दूसरा तरीका हो सकता है

अपने लिए हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होती है ग्रोथ की हर एक के लिए खुद को प्यार करने का मतलब अलग अलग, अलग होता अलग है अलग होता कोई है। सेट डेफिनेशन नहीं है, नहीं है सेल्फ लव का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता हाँ, है मेरे लिए कुछ और है हाँ, 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 हाँ. तो जो भी आपके लिए उसका मतलब है सेल्फ लव का या सेल्फ ग्रोथ का उसको सामने वाले को अप्रीशिएट करना है कि लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट एज फार एज की वो टॉप थ्री जो हमारे जो वो है ट्रस्ट हो गया ये हो गया रिस्पेक्ट हो गया उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है लेट हर डू और लेट हिम डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स तो ये हो गया इंडिपेंडेंस प्लस इंटरडिपेंडेंस कि जितना हम सामने वाले को स्पेस देंगे हाँ जी। उतना ही वो हमारे पास और ज्यादा आएगा या और, आएगा हाँ। और ऐसे अपने लिए भी खुद भी जितना इंडिपेंडेंट रहोगे है ना अपने मतलब छोटे मोटे काम है उनके लिए इंडिपेंडेंट हो अपने आप से प्यार करते हो अपने आप से प्यार कर देगा मतलब क्या जब वो सेल्फिश भी ना हो और अपने आप से आप प्यार भी करते हो Hmm. कि आपको कोई ये भी ना कहे कि, कि देखो सेल्फिश एक नेगेटिव वर्ड है hmm. है ना कि आप सेल्फिश तब होते हो कि जब आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करते हो और सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आप अपने आप से भी प्यार करते हो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मोस्टली जो फीमेल्स के परस्पेक्टिव से मैं बताऊंगी कि फीमेल्स को मोस्टली ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको दूसरों की नीड्स को पहले ध्यान में रखना है अपनी नहीं रखना है मतलब अगर कोई मदर है उसको भूख लगी है बहुत जोर की

कि सेल्फिश में और सेल्फ लव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हाँ। ज्यादातर लोग का मतलब समझ लेते हैं, ये हाँ। कि अपने है ताकि आप औरों की केयर कर सको, कर सको। औरों की इन द सेंस अपनी फैमिली की अपने फ्रेंड्स की हाँ। या अगर और बड़े लेवल पे देखा जाए तो सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है तो अगर आप खुद खुद अच्छा कर अपनी लाइफ में, अच्छा में, तो में कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लिए अपनी फैमिली के साथ में अच्छे हो तभी तो आप सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आपके घर में तो आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आप दुनिया का भला करने निकल गए हो दैट नॉट मेक सेंस आप कैसे कर लोगे वो तो करने वाली बात हो गई ना क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप किसी को खुशी कैसे दे सकते नहीं दे सकते पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल तो वही जैसे आपने अभी बोला ना कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं सेल्फिश लोगों को ये लगता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं या अपने बारे में भी सोच रहे हैं right. डिफरेंस है hmm. इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ लव का कि आप अपने बारे में ही सोचो कि कोई खाए चाहे नहीं खाए मुझे तो खाना खाना है बाकी दुनिया गई भाड़ में भाड़ में नहीं hmm. आपको अपने बारे में भी सोचना है कि कोई नहीं आ रहा है खाना खाने आज घर पे कोई नहीं है मैं अकेली हूँ तो मोस्टली क्या कहेंगे छोड़ो हम ना चाय बिस्किट खा लेंगे रस खा लेंगे क्या बनाना अपने लिए नहीं अपनी डिश सोचो कि अच्छा आज कोई नहीं आ रहा है आज मैं अपने पसंद के डिश बनाती हूँ अपने लिए टाइम निकालो Haan. अपनी हॉबीज को जिंदा रखो फॉलो योर पैशन फॉलो योर ड्रीम्स हाँ ये नहीं की आपकी शादी हो गई रिलेशनशिप में चले गए तो आपकी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान रखो Haan. ऐसे ही जो मेल्स हैं हस्बेंड्स हैं वो भी ध्यान रखें इस चीज को लेकर क्योंकि फीमेल जो होती है वो फिर भी थोड़ी बहुत हॉबीज उनकी साइड बाई साइड चलती रहती है ना थोड़ा क्रिएटिविटी जो क्रिएटिविटी होती है ना सेल्फ लव हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं जब हम क्रिएटिव होते हैं क्योंकि हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं अपने ऊपर उस टाइम अपने क्रिएटिव जोन में होते हैं तो मेल्स को भी ऐसे ही हस्बैंड्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि भी वो भी अपनी क्रिएटिविटी किसी चीज में लेके आए अपने पैशन को फॉलो करें या और कुछ नहीं तो कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाए डेली हाँ। सुबह और कुछ नहीं तो उठ करके एक घंटा बैडमिंटन ही हाँ, या हाँ। या जिम चले जाए या कुछ हाँ। जो भी भी जो जो उनको अच्छा लगता है वो, वो चीज मुझे पसंद है जिससे मुझे खुशी मिलती है वो करनी है ताकि मेरा हैप्पीनेस इंक्रीज हो ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो मेरी हो वो पूरी फैमिली को मिले घर का एटमोस्फेयर अच्छा लगे घर का एटमोस्फेयर अच्छा हो बच्चे जो है वो भी खुश रहे जो पार्टनर है तो वो ऑब्वियसली खुश रहेगा अगर वो हंसती हुई सूरत देखेगा ठीक बात है वो रोज ही उसको ऐसी सड़ी हुई शक्ल दिख रही है कि गुस्से में या आओ तुम घर तुम्हें बताती हो <laughs> या फिर हस्बैंड है वो घर आते ही अपना बैग उधर फेंक रहा है और <laughs> मतलब ये फिर भी रियलिटी में क्योंकि आपको ऑफिस भी आप जाओगे आपको बहुत <laughs> सारी टेंशन मिलेंगी आप घर आओगे तो आप कर, सोचो कि क्या करोगे जिससे मेरा खुद का हैप्पीनेस क्वेश्चन अपने आप से इंक्रीज हो नॉट ये कि तुम मेरी सेवा नहीं करती तुम ध्यान नहीं रख रही हो मेरा तो इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ और आजकल तो क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है इन ऑफ द केसेस एटलीस्ट बड़ी सिटीज में तो ये नॉर्म है कि दोनों ही वर्किंग है दोनों अपनी अपनी जगह से आ रहे हैं काम करके अपना अपना स्ट्रेस लेकर के, ले ले के आ रहे हैं अपने अपनी टेंशन लेकर के आ रहे हैं तो अब अगर वो आ रहे हैं उस जोन में और अब अगर वो अपनी केयर नहीं कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली तो दैट रिलेशनशिप इज बाउंड टू कोलैप्स क्योंकि दोनों का स्ट्रेस एक दूसरे का स्ट्रेस बढ़ाने का काम करेंगे

जरूरी नहीं है कि आप खुशी को फॉलो करो क्योंकि तो मैंने ऑब्जर्व यह किया है कि जो लोग खुशी को फॉलो करते हैं वो कही कहीं ना जा कहीं जाकर के फंस जाते हैं अच्छा क्योंकि तो एक्चुअल में हमको अगर फॉलो करना ही है तो शुरू में हमको पेन को फॉलो करना होगा क्योंकि तो अगर आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है हाँ हाँ हाँ। तो आपको मजा तो नहीं आएगा ना एक्सरसाइज करके नहीं। या जिम जा करके मजा तो आएगा नहीं जो भी कुछ करोगे दो लाइक सेक्रीफाइजेस तो अब बेसिकली सेल्फ लव का मतलब ये हो सकता है कि आप खुद के लिए जैसे आप औरों के लिए अपने बच्चों के लिए दर्द भी सहने को तैयार हो स्पेशली एक जो माँ होती है वो एक बच्चे का दर्द महसूस कर लेती है और बच्चे के लिए दर्द सह लेती है ताकि बच्चे को कोई दर्द ना हो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो इसी तरह से सेल्फ लव का मतलब यह हो सकता है कि आपको चाहे खुद को फिजिकली इमोशनली मेंटली पेन भी देना पड़ रहा है तो दो हाँ, उस पेन में भी क्योंकि फिर हमें खुशी मिलती है है क्योंकि पता निकल करके ही हाँ। आप एक फिटनेस वाली स्टेट हाँ। तक फिजिकल मेंटल फिटनेस को अगर अचीव करना है तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा ऐसे ही खुशी नहीं मिल जाएगी बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है इसको कोई अगर देखेगा और उसको आदत नहीं है इतने लंबे पॉडकास्ट सुनने की या देखने की वो परेशान हो जाएगा उसको इमोशनली साइकोलॉजिकली उसको एक टॉर्चर के जैसा लगेगा ये वो कहेगा ये क्या बातें हो रही है क्योंकि तो आजकल लोगों की आदत क्या है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनके लिए खुशी का मतलब क्या है कि एक वीडियो देखी एक सॉन्ग सुना उसके बाद वो दूसरा सॉन्ग तीसरा सॉन्ग अपने आप ऑटो प्ले पे चलता चला जा रहा है चलता चला जा रहा है अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट जीरो है हाँ। तो अब हो सकता है इस सेशन को समझने के लिए उनको एफर्ट करना पड़े एफर्ट करना उस साइकोलॉजिकल पेन से होकर के गुजरना पड़े बिल्कुल, बिल्कुल तो उनको ये भी सहना पड़ेगा

का मतलब ये नहीं है कि हम प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाएं हाँ, नहीं बल्कि वो मतलब नहीं, असलियत में ये है क्योंकि नहीं तो होगा क्या का मतलब हम क्या है? समझेंगे फॉर एग्जांपल कोई है कर एग्जाम्पलता हूँ एक एग्जांपल डे टू डे बेसिस का मतलब लोग क्या निकाल सकते हैं

तो वो उस आदत को छोड़ेगा हाँ। और कोई नई आदत बनाएगा शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसको दर्द भी होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दर्द अच्छा है उसके अच्छा लिए तो क्योंकि आप बेटर वर्जन बनते तैयार हो गया तो बन ही नहीं सकते बिल्कुल सही बात है लीस्ट पांचवी हैबिट अगर आपको कुछ बोलनी हो तो वो क्या हो सकती है तो जैसे हम बैंक में बैलेंस रखते हैं अमाउंट होता है डेबिट एंड क्रेडिट आप ये मेंटालिटी रखो कि जब आपका आर्ग्यूमेंट हुआ क्लैश हुए जो कि नॉर्मली होंगे लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर भी क्लैशेज होते हैं सबके होते हैं मेरे हुँ. होते हैं सर के होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते होंगे सबके होते हैं हुँ. आपको ये देखना है कि आपका अगर क्लैश हुआ छोटा मोटा ऐसी आपकी कोई बात हुई जिसकी वजह से डिफरेंसेज आए तो आपने उसको कैसे दोबारा से फिल करना है जो आपका बैंक बैलेंस है वो डेबिट हो गया वहाँ से अमाउंट यहाँ पर मेरे को एक रिसर्च याद आ रही है इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट अभी आप कह रहे हैं इस पर एक रिसर्च भी हुई है बहुत बड़ी मतलब एक डॉक्टर है जिन्होंने 3000 कपल्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च करी है जहां पर ये निकल करके आया है कि अगर आपका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कॉम्पेन्सेट करने के लिए आपको पांच कुछ अच्छा करना पड़ता है मतलब अगर आप एक कुछ बुरा करेंगे तो पांच कुछ अच्छा होना चाहिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए तो आइडियली ये बैलेंस आई थिंक इट शुड बी अराउंड फाइव इज टू वन और बेटर स्टिल टेन एस टू वन मतलब ये नहीं सोचना कि इट विल बी टेन एस टू जीरो हमारे तो कोई क्लाशेज ही नहीं होंगे ऐसा कभी हो ही नहीं कभी सकता डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा लड़ाई झगड़े होंगे ही हो होंगे क्लाशेज होंगे ही होंगे बट द पॉइंट इज ये कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपके पास में बैंक बैलेंस कितना है आपके बैलेंस में आपका जो रिलेशनशिप बैलेंस है वो कितना है कि उसमें कितना एक तरीके से जैसे पैसा पड़ा होता है तो कितना आपके पास में अच्छे जो एक्सपीरियंसेस है वो पड़े हुए हैं अच्छी मेमोरीज क्या है अच्छे एक्सपीरियंसेस क्या है उसको वो फिर उसकोट कर जाएगा हुँ। करना हुँ। पड़ेगा तो कि अगर बहुत... आपका बैलेंस है और आपने दो चार पांच चीजें कुछ गड़बड़ कर भी दी राइट लड़ाई झगड़ा कर भी दिया या कभी कुछ बोल भी दिया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा बट आपका बैलेंस जीरो है फिर आपने एक भी बात उल्टी बोल दी <laughs> या कुछ कर दी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस में चला जाएगा तो इसमें बहुत ये बहुत एक अच्छा टिप होता है क्योंकि इसमें जब हम थोड़ा टाइम हो जाता है हमारे रिलेशनशिप में तो हमको सॉरी की कोई वैल्यू रहती नहीं है हमें लगता है कि सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो उसको ये कैसे हमें फील हो कि भी हम एग्जैक्टली exactly सॉरी बोलना चाह रहे हैं हम सॉरी हैं भी कि हम सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं अंदर से अगर फील करवाना चाहते हो रियलाइज करवाना चाहते हो कि एक्चुअली आप सॉरी हो तो फिर आप उसको कॉम्पनसेट करो कुछ पाँच दस चीज़ें आपको पता है तो वो करो उसका देना पड़ेगा बिल्कुल तो अपने आप ही आप गलत करना बंद कर दोगे हमें रिलेशनशिप में लोग ये समझते हैं इस गलत फेहमी में जीते हैं की सामने वाले को संभालना है जबकि एक्चुअल में हमें खुद को संभालना है ना बिल्कुल तो खुद को हम कैसे संभालेंगे थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बिल्कुल यही एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम संभाल सकते हैं हुँ, हुँ, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी इस रिलेशनशिप में तो मुझे उसका पांच गुना हाँ, वो भरना पड़ेगा क्या बोलते हैं हर जाना हाँ, या जाना, जो भी जाना, जो भी होता है हाँ, वो भरना पड़ेगा, <laughs> पड़ेगा। यानी कि मुझे उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए पांच गुना कुछ अच्छा करना पड़ेगा दैट कुड बी एनी थिंग एग्जाम्पल जैसे मेरे हस्बैंड को मूवीज देखनी नहीं पसंद बाहर जाके अगर मुझे पता होता है कि कुछ ऐसी बात हुई है तो मैं सॉरी नहीं बुलवाती पहले मुझे लगता था सॉरी बोल दो वो ईगो बूस्ट होती है बस सॉरी से हाँ। तो मैं कहती हूँ अब मूवी देखने चलना पड़ेगा और तो वो कुछ भी लड़ने से पहले चार, चार बार सोचेंगे क्योंकि मुझे इनकॉपरेट हाँ। 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 कर सकते हैं और प्लस इससे एक और बेनिफिट होगा बहुत बड़ा की जब भी कुछ बुरा होगा तो वो बुरा एक्चुअल में बुरा नहीं है क्योंकि उसको बुरा को अच्छे में कन्वर्ट करने के लिए अगर फाइव टू वन की समझ रहे हैं तो हम एफर्ट करेंगे एक्स्ट्रा माइल जाएंगे वापस से रिवाइव करने के लिए उस रिलेशनशिप हाँ। को नहीं तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे डेड होने लग जाती है बोरिंग हो जाती है उसको इंटरेस्टिंग बनाने हाँ। के लिए जब भी लड़ाई हुई हमने कुछ

जैसे ओवर थिंकिंग करता है हमारा माइंड जब क्लैश होता है आप कितनी भी कोशिश करोगे ना अगर आपका बैंक बैलेंस जो है वो अच्छे से भरा हुआ है ना तो वो उसके ऊपर हावी हो जाता है hmm. वो कहते हैं आप मन में सोचोगे नहीं ये ऐसे करता है वो कहेगा कहाँ नहीं करता बैंक बैलेंस देखो है हाँ कितना कुछ है बैंक बैलेंस में कहा करता है ये तो छोटी सी बात है तो ये बिल्कुल इस... ऐसा हो गया की कोई आदमी कह रहा है कि मैं तो गरीब हूँ पड़ेगा बिल्कुल हाँ। कि okay, बिल्कुल है ना की किसी छोटी सी बात पे आप कह रहे हो की जैसे अगर वेलेंटाइंस डे है रोज नहीं लेके आया भूल गया सामने वाला आप कह रहे हो कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता

कोलैप्स कर हाँ, जाएगी तो उसमें बेटर है कि आप किसी की एडवाइस लो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके और उसको अगर आप वर्क कर, कर सकते हो काउंसलर से डिस्कस, डिस्कस करके कर 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 अगर आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए अगर एक चाहता ही नहीं है उस रिलेशनशिप पे वर्क करना और एक वही कहते हैं ना एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती दोनों से चलती है और वो दोनों पहिये भी देखें अगर हम पटरी पे चल रहे होते हैं तो वो दोनों साथ साथ पैरेलल चलेंगे अगर ये सोचेंगे हमारे लाइफ पार्टनर से हम ज्यादा बेटर हैं है एक पहिया छोटा है तो, नहीं तो भी गाड़ी नहीं इक्वल हां जी इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए आपके रिलेशनशिप को लेकर तभी वो जो पटरी पे गाड़ी है ना वो सीधी तरह से चलती है स्मूथली चलती है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक पॉजिटिव है पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिली हैं. और ये वाइब्रेशन और भी स्प्रेड होंगी मैं जहाँ जाऊँगी तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी पर्सनलिटी के सामने बैठकर जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हूँ थैंक यू सो मच